हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असुस के आरओजी फोन 2 के बारे में। लेट्स गाइस स्टार्टेड। आज हम बात कर रहे हैं असुस के आरओजी फोन 2 के बारे में, जो एक मॉन्स्टरस गेमिंग फोन है और जो होस्ट है नए नए फीचरों का। इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर दिए गए हैं, जैसे आप डिस्प्ले में अलग अलग लाइटिंग कर सकते हैं, बैक पैनल में अलग अलग चेंज कर सकते हैं, और इसमें मैसिव फीचर दिया जो गेमिंग वर्ल्ड के लिए, जो हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन जो फीचर्स नहीं करते, ये फ़ोन में ये फीचर्स दिया है। ये फ़ोन 9.78 mm थिक है और इसका 240 ग्राम वेट है। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी कितनी ग्लैमरस और ग्लॉसी दिया गया है। आप इसे स्मार्टफोन का SRK भी कह सकते हैं। अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग करता है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। ये फ़ोन में 6.59 इंच का 120Hz का AMOLED पैनल डिस्प्ले है। ये फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला है और इसमें सबसे खासियत क्या अच्छी है, 240Hz का टच सेंसिटिव फीचर्स दिया गया। मतलब ये बहुत अच्छा टच सेंसिटिव है। इसमें आप हल्का सा भी टच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें फीचर्स मिले। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और इसमें अलग अलग बैक पैनल में आप कलर चेंज कर सकते हैं। और इसमें 6000 mAh का बैटरी दिया है, भी 30 वॉट फास्ट चार्जिंग। सबसे खास बात इस फ़ोन की है कि इसमें अभी भी 3.5 mm ऑडियो जैक दिया है, और आप देख सकते हैं इसमें USB Type-C पोर्ट भी दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा फीचर है। आप इसका साइड पैनल पूरा अच्छे से देख सकते हैं। इसमें खासियत अच्छा है कि इसमें एक और Type-C पोर्ट साइड में दिया गया है, एक ROG फ़ोन 2 के फ़ैन को लगाने के लिए। और इसमें 3-layer कूलिंग सिस्टम दिया, जो बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें वेपर कूलिंग चेम्बर दिया गया है, कार्बन कूलिंग पैड दिया गया है, हीट डेसिपेशन वेंट्स दिए गए हैं बॉडी पे। पर इसमें एक फीचर अभी भी लैग करता है, जो फ़ैन है वो इनसाइड होना चाहिए। इसमें स्नैपड्रैगन 855+ का प्रोसेसर दिया गया, जो बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है और जिसकी स्पीड है 2.96 GHz की, जो बहुत ही खास है। और इसमें एड्रीनो 640 का GPU दिया गया है और असूस क्लेम करता है उसके वजह से 15% बूस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और इसकी GPU की फ्रिक्वेंसी है 675 Hz की। यह सबको पता है कि ये गेम सेंट्रिक फ़ोन है, तो इसे बेसिकली गेम के लिए बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। इसमें असूस क्लेम करता है 7 आवर्स विदाउट अ पॉज आप पूरा PUBG खेल सकते हैं उसके पीक पे, और बाकी जैसे H1Z1, शेडो गन एंड लेजेंड सब गेम आप खेल सकते उसके पीक पे। इसमें एक और डिस्प्ले ए वाला किट दिया गया है, जिससे आप गेम खेलते वक्त अलग अलग फीचर जैसे या फिर लाइव का फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप इसे कंपेयर कर सकते हैं ROG One के साथ। आप देख सकते हैं फ़ोन पहले से बिगर वाइडर है और पहले से परफॉर्मेंस के वाइज भी बहुत बेटर है। ROG फ़ोन 2 के अंदर सामने के तरफ स्पीकर दिए गए हैं और वैसे ROG One में बैक साइड में दिया गया था। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसमें बैक में 48 MP का सोनी IMX 586 का कैमरा दिया गया और सेकेंडरी कैमरा 13 MP का वाइड एंगल का विद 1.79 aperture, और फ्रंट के अंदर 25 MP का कैमरा दिया गया है। वैसे कैमरा तो बहुत अच्छा है, ऐसा गेमिंग फ़ोन के हिसाब से तो फ़ोन इसका बहुत बेटर है और कैमरा भी इसका बहुत बेटर है। और इसमें अलग अलग डिस्प्ले एडजस्टमेंट दिया गया आपके गेम खेलने के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे ब्राइटनेस लेवल एडजस्टमेंट लेवल ब्राइटनेस। आप गेम खेलते हुए अलग अलग फीचर इसमें बहुत यूज़ होते हैं। गेम बेटर गेमिंग के लिए इसमें अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं। आप अलग अलग हर्ट्स पे खेल सकते हैं, जो आपको बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस देता है और बेटर परफॉर्मेंस देता है गेम खेलने की वजह से। बात करते हैं असुस के गेमिंग इकोसिस्टम में, जो ये किट के साथ ROG फ़ोन 2 के साथ कुनाई का गेम पैड आ, जिसे आप फ़ोन और PC में भी अटैच कर सकते हैं, जिसके अंदर 21 बटन्स दिए गए, जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट और एनहेंस करते, जिससे गेम खेलते वक्त बिल्कुल लैग नहीं होता है। आप इसे मॉनिटर में भी कनेक्ट करके अपना फुल एक्सपीरियंस गेमिंग का ले सकते हैं बेटर। और आप देख सकते हैं इसका कैमरा डुअल LED फ्लैश आपको दिया गया है, और इसकी बॉडी पे अलग अलग आपको रिफ्लेक्टिंग दिख जाएंगे पार्ट्स, जो रेनबो की तरह एक हल्का सा शाइन देता है, जो बहुत ही बॉडी दिखने में अच्छा है। अगर आप गेमिंग लवर है और आपको गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ही इस फ़ोन को लीजिए, वरना मत परचेस कीजिए। आप देख सकते हैं इसमें 25 MP का फ्रंट कैमरा आपको दिख रहा है और इसमें सामने के तरफ आपको स्पीकर मिलते हैं। आप देख सकते हैं यही है वो कुनाई का गेम पैड, इसका अलग से ओवरव्यू बैक साइड से आपको कैसा दिखता है वो दिखा रहे। और आपको यही फीचर के बारे में हम पहले बता रहा था, स्क्वीज़ करेंगे तो X मोड चालू, जो X मोड बेसिकली गेमिंग मोड है, जो आपको गेम बूस्ट को एनहेंस कर देता है। इसकी वजह से आपका गेमिंग परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाता है।
और इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दिए सर गेमिंग के लिए, क्योंकि ये बेसिकली एक गेम सेंट्रिक फ़ोन है, तो गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज है। अलग अलग लेवल्स है इस पर, आप इस पर टेम्परेचर सेल्सियस, कितना ब्राइटनेस, आपका टेम्परेचर क्या है, आपका सीपीयू का क्या हर्ट्स पे चल रहा है, आप सब उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपका परफॉर्मेंस, ऑडियो एक्सपीरियंस सब अच्छा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।